अब लक्षद्वीप में विकास ही विकास होगा। लक्षद्वीप के लिए पीएम मोदी ने कुछ बड़ा सोचा है। लक्षद्वीप के विकास को अब पंख लगेंगे। नया एयरपोर्ट बनेगा, फाइटर जेट्स भी तैनात होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर क्या गए, हर तरफ हड़कंप मच गया। मालदीव में तो जैसे बवाल ही मच गया। पीएम मोदी के लिए अब शब्दों की बौछार होने लगी। पीएम मोदी का अपमान किया गया, जबकि पीएम मोदी ने तो लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान मालदीव का नाम तक नहीं लिया। लेकिन अब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में विकास की नई बयार बहाने की ठान ली है। पीएम मोदी ने तय कर लिया है कि अब लक्षद्वीप में विकास ही विकास होगा। लक्षद्वीप को अब पर्यटन का हब बनाया जाएगा। लक्षद्वीप को अब ऐसे सजाया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आने के लिए आकर्षित हों। इसलिए मोदी सरकार ने लक्षद्वीप को लेकर एकदम नया और आक्रामक प्लान बनाकर तैयार कर लिया है। लक्षद्वीप में एयरपोर्ट के विकास की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आम नागरिकों के साथ साथ सेना को भी एयरपोर्ट बनने से लाभ होगा। दुनिया के साथ लक्षद्वीप को बेहतर हवाई संपर्क मिल सकेगा। एयरपोर्ट पर A320 बोइंग विमान के साथ कई लड़ाकू विमान भी लैंड कर सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी अगाती की 1.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का विस्तार करने की 2 दशक पुरानी योजना बहुत जल्द शुरू हो सकती है। मिनिकॉय द्वीप पर ड्यूअल पर्पज एयरफील्ड बनाया जाएगा। एयरपोर्ट होगा जहां से फाइटर जेट्स का संचालन तो होगा ही, साथ ही आम नागरिक भी विमान से आ जा सकेंगे और अन्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ हो पाएगी। एयरफील्ड बनने से भारत अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ कड़ी निगरानी रख सकेगा। समुद्री लुटेरों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। चीन की बढ़ती गतिविधियों पर भी रोक लगाने का मौका रहेगा। लक्षद्वीप के आसपास अभी एक ही एयर स्ट्रिप है जिस पर हर तरह के विमान नहीं उतर सकते, लेकिन अब क्योंकि एयरपोर्ट भी बनाने की तैयारी है तो अब पर्यटन के लिहाज से बहुत सुविधा होने वाली है। लक्षद्वीप के कवरत्ती आइलैंड पर भारतीय नौसेना का INS द्वीप रक्षक नौसैनिक बेस है। यहाँ पर भारतीय नौसेना पहले से मजबूत है, लेकिन अब तैयारी हो रही है कि वायुसेना की मौजूदगी और ताकत को और बढ़ाया जाए। लक्षद्वीप में होटल की भी भरमार होने वाली है। भारतीय होटल प्रमुखों ने सुहेली और कदमा द्वीपों में नए होटल खोलने का प्लान बनाया है। अरब सागर द्वीप समूह में भी क्रूज पर्यटन पर जोर बढ़ा है। अनिवार्य ई परमिट को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की योजना तैयार हो रही है। कुछ क्षेत्रों से विदेशी पर्यटकों के साथ साथ भारतीय पर्यटकों पर लगी शर्तों को भी जल्द हटाया जा सकता है। इस सब के अलावा और भी बहुत कुछ किया जा रहा है लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को लक्षद्वीप आने के लिए आकर्षित करने के लिए। पीएम मोदी ने ठान लिया है कि अब लक्षद्वीप को पर्यटन हब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और मालदीव ने जिस तरह से पीएम मोदी का अपमान किया है और उस पर जिस तरह से भारतीयों का रवैया देखने को मिला है, उससे तो लगता है कि इधर मोदी सरकार कोशिश करेगी और उधर भारतीय जनता मोदी सरकार की इस कोशिश को पंख लगाने के लिए जैसे तैयार बैठी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप में घूमने की जगह कौन कौन सी है। प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीले समुद्र तट, वनस्पतियों और जीवों की बहुतायत, अगाती, बंगारम, कदमत, कल्पेनी, कवरत्ती, मिनिकॉय, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो कि लक्षद्वीप के मुख्य पर्यटन स्थल हैं। अब आपको बताते हैं लक्षद्वीप जाने के लिए क्या क्या जरूरी है। लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से इन द्वीपों की यात्रा के लिए एक विशेष परमिट जारी किया जाता है। द्वीप पर जाने या रहने के लिए अधिकारियों से पहले परमिट के पीछे का कारण वहां रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करना है। इस परमिट के लिए eparmit.utl.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और अगर सही मौसम की बात करें तो लक्षद्वीप का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस है। अप्रैल और मई 32 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ सबसे गर्म महीने माने जाते हैं। अक्टूबर से मार्च तक द्वीपों पर रहने का सही समय माना जाता है। जून से अक्टूबर के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून 10 से 40 मिलीमीटर की औसत वर्षा के साथ सक्रिय रहता है। एक साल में 80 से 90 दिन बरसात होती है, जबकि अक्टूबर से मार्च तक हल्की हवाएं चलती रहती हैं। अब आपको तय करना है कि आप कौन से समय में लक्षद्वीप घूमने जाना चाहते हैं। वैसे ये जो लक्षद्वीप जल्द ही पर्यटन का हब बनने वाला है, जिस तरह से मोदी सरकार ने पक्का इरादा कर लिया है
इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।